यार यहाँ कितनी गड़बड़ है, मुझे इसे साफ करना होगा। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। शायद इस तरफ से उठा पाऊँ। बेला मैं घर आ गया। मैंने तुम्हारे लिए सफाई कर दी हनी। और कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम बहुत थक गए होगे, बहुत ज्यादा थकावट है। बस आराम से बैठो और कॉफी के मजे लो। ओ, ये नेल्स। मेरी बीवी सबसे अच्छी है। हम दोनों साथ में कितने अच्छे हैं। मुझे भूख लग रही है। वुप्स। मैं ये नहीं खाना चाहती। मैं झुककर इसे उठा भी नहीं सकती। ओ, नहीं। हनी कैसी हो? चिप नीचे गिर गया और सॉक्स भी। ठीक है, सब उठा लेना बेब, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। हे, ये तो अच्छा है, करते रहो। प्रेगनेंसी मुश्किल है माँ बाप दोनों के लिए। खैर, जैसी तुम्हारी सोच। स्कूल का समय हो गया। ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक्स डैडी। मुझे शूज चाहिए डैडी। अरे हाँ, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। ये लो पहनो, गुदगुदी होती है। ठीक है, सीधे बैठे रहो। आप बहुत फनी हो डैडी। तुम मुझे करने दोगी? माफ करना। हो गया, अब सीधा स्कूल जाना, ठीक है? ओके, बाय डैडी। बाय। काफी मुश्किल था, मैं जरा थोड़ी झपकी ले लूं। उठो डैडी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, यही इंतजार करो। ये लो स्वीटी, सब आ गया, ठीक है? अब मैं आराम कर सकता हूँ। अब क्या हुआ है? ये गलत बात है डैडी। क्या हुआ? बारिश आ रही है, मैं गीली हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, ये छाता इस्तेमाल करो। थैंक्स, बाय। बस वो वापस ना आए। अरे वाह, काफी तेज तूफान है। मैं दोबारा कभी बाहर नहीं जाऊंगी। ओह नहीं, छाता टूटा हुआ है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं डार्लिंग। पर अरे नहीं, मुझे बस अपने लिए समय चाहिए, मैं गोल्फ खेलने जाने वाला था। जरा रुको, ये शावर का कर्टन। इससे मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। शावर के कर्टन को फोल्ड करें और एक ट्रायंगल बनाएं। इसके ऊपर का हिस्सा काट दें। दो पीसेस को एक के ऊपर एक रखें। इन्हें साथ में चिपकाने के लिए हीट प्रूफ पेपर और हेयर स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल करें। कोई गैप नहीं होना चाहिए। वाह डार, ये पोंचो तो बहुत अच्छा बना है और कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं बाहर जा सकती हूँ। हाँ, मैं एक जीनियस हूँ। ये तो कमाल है, मैं गीली भी नहीं हुई। ओह, धूप आ गई, पर मैं अपना पोंचो पहनना चाहती थी। मॉम पूरे एक घंटे के लिए गई है। जल्दी, मैं क्या ट्राई करूँ? मुझे नहीं पता। आरामदायक है। हे, लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। मॉम के पास सबसे अच्छी ज्वेलरी है। सबसे ज्यादा चमकने वाला क्या है? वाह, बहुत खूबसूरत है। हो गया, रुको, सब कहाँ चला गया? नहीं, तुम ये ढूंढ रही हो? तुमने ज्वेलरी छीन ली, मुझे भी थोड़ी दो। अगर ऐसा है तो
तुम मॉम का हेडपीस रख सकती हो और ये भी। ठीक है, लो अब तुम खुश हो और वो रिंग मुझे चाहिए। सच में ये मेरी फेवरेट वाली है। ओहो, ओहो। नहीं रो मत, मैं कुछ नहीं कर सकती। रुक जाओ, मुझे सोचने दो। मॉम के पास यहाँ बहुत कूल चीजें हैं। चलो ज्वेलरी बॉक्स के अलावा भी कुछ सोचें। पहले पॉलिश के ढक्कन पर ये क्लियर स्टिकर लगाएंगे। जब ये फ्लैट हो जाए तो इसके ऊपर क्लियर नेल पॉलिश से पेंट करें। अब जरा इसके ऊपर कोई कोल पेपर लगाएं, रैप करें और फिर और पॉलिश लगाएं। ये क्लियर होना चाहिए, अब इसे निकाल सकते हैं। जब ये सूख जाए तो कोनों को रगड़ लें। लो अब ये बिल्कुल साफ है। टडा! ये बिल्कुल अनोखी रिंग है और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह शानदार, और चाहिए? कूल है ना? मैंने अलग अलग डिजाइन पे इस्तेमाल किए हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और है। ओह ये वाली तो बहुत कूल है। तुम सबसे अच्छी हो क्लेयर। चलो ये करते हैं। मैं फिशिंग में माहिर हूँ। हे, लगता है मुझे कुछ मिला। वो कहा था ना? अरे वाह, मैं इसमें माहिर हूँ। हाँ अब मेरी बारी। ठीक है, लगता है मैं लकी हूँ, कुछ तो मिला। देखो ये तो, एव, ये क्या चीज है? तभी तो ये कचरे में था। लो, नहीं। हाँ? उप्स, कुछ बुरा हुआ। ये ऊपर क्या हो रहा है? देखते हैं। हे, लगता है ये कोई काम की चीज है। वाह, जल रही हो। अब ये सिर्फ मेरा है। ओहो, बाय। घबराओ मत, समझी? चलो कुछ और ढूंढते हैं। कुछ ऐसा। ओह। एक पुरानी बॉटल। मुझे माफ कर दो। हे तुम। ओह मैं समझ गई। क्या? मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ। ठीक है, कूल। पहले एक ब्लेड से बॉटल को काटेंगे, यहाँ और वहाँ भी। अब बाकी की कैंची से काटेंगे। टडा! और एक और। अब इसे फ्लैट कर देते हैं। रूलर से दो सीधे लाइंस बनाएं। जब ये हो जाए तो इस तरह काट लें। अब इस तरह फोल्ड करें और कोनों को भी काट दें। अब इसमें छेद करें। अब पूरी स्ट्रिप पर टेप लगा दें। अब आपको ये नजर भी नहीं आएगा। देखा, परफेक्ट। अब एंड्स को साथ में जोड़ दें। रिबन को स्ट्रिप के आसपास लपेट दें। जब तक ये पूरा कवर नहीं हो जाता घुमाते जाएं। थोड़ा समय लगेगा पर बहुत खूबसूरत दिखेगा। टिप वाले छेद को कवर नहीं करेंगे, इस पर से इलास्टिक निकालेंगे और बांध देंगे। इसे उल्टा करें। अब इस पर जूल्स लगाएं। मैं सीशेल्स लगा रही हूँ। बढ़िया है ना? हो गया। लो अब ये तुम्हारा है। ओह मैं ट्राई करती हूँ। वाह शुक्रिया। बस मुझे मास्टर क्राफ्टर बुलाओ। हे, उसने अभी भी मेरा टियारा पहना हुआ है और वो कितना गंदा डांस करता है। हे, हाँ? तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चलो भागो, रुको। चलो सो जाओ हनी, ये रहा तुम्हारा टेडी बेयर। थैंक्स डैडी।
स्वीट ड्रीम्स एवा, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। रुको, बहुत अंधेरा है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं आ रहा हूँ स्वीटी। क्या हुआ, तुम्हें मेरी जरूरत है? मतलब सब ठीक तो है? अंधेरा था और फिर तूफान आया। है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक है, मैं यही हूँ ना। एक स्टोरी सुनोगी? अपनी आंखें बंद करो। एक बार की बात है, आराम से सो जाओ। मत जाओ। मैं यहीं पर हूँ, एकदम आराम से। डैडी, अब ठीक है, चलो भी। मेरे पास एक आइडिया है, ये रबर ग्लव काम आएगा। समझे? पहले इस ग्लव को ग्लास में रखेंगे और फिर इसके रिम पर लगा देंगे। एक ग्लास में चावल भर लेंगे और इस ग्लव में चावल डाल देंगे। अब ग्लव को ग्लास से निकाल लें और इसके नॉट बांध लें। ये काम करेगा। मैं इसे एवा की बाजू पर रख देता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मेरा पैर! रो मत। बस मुझे अब सोना है और कल मेरा थिएटर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं रुक ही नहीं पा रही। बहुत बुरी नींद आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, सब दर्द हो रहा है। हेलो स्लीपी हेड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हें फीवर तो नहीं है? जरा इसे लगाओ, कफ सिरप काम आएगा। अपना मुंह खोलो। यक, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर थिएटर, मैं मिस नहीं कर सकती, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो डार्लिंग, पर तुम बीमार हो। एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ तुम खुश कैसे होगी। एक सीरियल बॉक्स लें और उसमें से स्क्वायर काटें। इस तरह बॉक्स को रखें और इसके ऊपर एडहेसिव पेपर का स्ट्रिप लगाएं। एडहेसिव पेपर के अलग अलग कलर्स लगाते जाएं। दो अलग अलग कलर्स से इसे ढकें। अब सीजर से बीच से पेपर हटा दें। अब दो टिश्यू पेपर लें और उन्हें फोल्ड करें, बिल्कुल इस तरह। अब टिश्यू पेपर को बॉक्स के अंदर रख दें। ऊपर और नीचे दो स्लिट्स बनाएं। अब इसके बीच में पॉप्सिकल डाल दें। आखिरकार कार्ड पर कैरेक्टर्स बनाएं और उन्हें पॉप्सिकल स्टिक्स पर चिपका दें। तुम शो के लिए तैयार हो? वाह, ये तो बढ़िया है। थिएटर खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तुम्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा, यो, बहुत गंदा था। बस ये फैले नहीं, हम साथ में बीमार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये मेरा फेवरेट साथ है। अच्छा, मुझे तो विश्वास नहीं होता उसने इतने तेज बोला। ड्रम क्रक्स मेरी फेवरेट है, इसमें बहुत सामान आ जाता है। और फिर उसकी दोस्त ऐसे कर रही थी जिसे उसने सुना ही नहीं। वो देखो, एक टाइगर। अरे मुझे पता है, वो बहुत ड्रामेबाज है। ओ नहीं, ये क्या था? नहीं, मेरा बेस्ट फेवरेट प्रॉप। मैं रखती हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। मॉम, आपने मेरा फेवरेट बेस्ट प्रॉप तोड़ दिया। रुको, मुझे इसे ठीक करना आता है, मुझे बस ये कलरफुल स्नैक्स चाहिए। मैंने पानी में डिप करूंगी और फिर साथ में लगा दूंगी। पानी को ग्लू की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये अच्छा लग रहा है। और इनके साथ अब बाकी के पार्ट्स भी जोड़ देते हैं। डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वाह, एक नया ट्रक। वाह, ये बहुत कूल है, ये स्नैक्स से बना है। ओ नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। हे, मुझे पता है क्या करना है। मॉम आ गई, बस वो देखे नहीं।
हाँ, ये क्या है? कुछ भी नहीं। ये उन्होंने देखा नहीं। बस स्ट्रेच करो और टोस को छुओ। मेरी पहली बीच में आ रही है। ओह हाँ, बिल्कुल। पर कोई बात नहीं, हम और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बॉल पर बैठो और गहरी सांस लो। चलो अब तुम ट्राई करो। हूँ, बॉल तो बहुत बाउंसी है। आराम से, बिल्कुल शांति से गहरी सांस लो। गहरी सांस। हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये क्लास बहुत बढ़िया है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। गहरी सांस लेना मत भूलना। ओ हाँ, अच्छा किया। हाँ चलो दूसरी एक्सरसाइज करें। एक स्टैंडिंग ब्रिज, इससे तुम्हारी लातें स्ट्रेच होंगी। तुम ट्राई कर सकती हो। ज्यादा जोर मत लगाना, बहुत बढ़िया। ओ, अपनी लातें सीधी रखो। ठीक है। ओह नहीं, हे मेरे भगवान, कितनी बड़ी स्मेल है। हमें इस जगह को साफ करना होगा अभी के अभी। पता नहीं काफी हर्ब्स है भी या नहीं। हाँ, शायद काम हो गया। बस अब तुम रुक सकती हो। अब कमर के बल लेट जाओ। बहुत अच्छा किया लेडीज, तुम्हारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलो अब सीधी बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। नमस्ते। और तुम? ओह, वो सो गई। हेलो, उठ जाओ, मुझे उसे उठाना होगा। हाँ, मुझे और स्ट्रॉबेरीज चाहिए। ओ नहीं, मैं फंस गया। शुक्र है मेरे पास अब भी अपनी एरोमेटिक हर्ब्स है। मुझे शांत रहने के लिए ध्यान लगाना होगा। बिल्कुल, आओ अंदर। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे बेबी को सुनना है। सब ठीक लगता है, मजाक कर रही हूँ। मैं काफी मजाक किया हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या है। ओ, कितना प्यारा है, तुम्हें एक लड़का होगा। नहीं, पर मुझे लड़के चाहिए। ये लो और सब ठीक करो। बिल्कुल। मुझे कुछ पीना है। सब ठीक तो है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो क्या कर रही है? पता नहीं। मैं चाहती हूँ एक लड़का लड़की बन जाए। मैंने इससे अच्छा मजाक कभी नहीं सुना। कैसी बातें करती हो। शुक्रिया दोस्तों, सुनकर अच्छा लगा। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर नहीं सोचो, साइंस की ही बात है। समझ गए, ये बहुत आसान है। मैं ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। इनमें से एक टैबलेट लो और तुम्हारी लड़की होगी। थैंक यू। हम दोबारा स्कैन करेंगे। शानदार, ये एक लड़की है। तुम इसकी हकदार हो। अरे वाह। हाँ, वो काफी देर तक परेशान थी। ओह, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मेरी बेली बहुत बड़ी है, ये बहुत मुश्किल होगा। शायद मैं काउच पर बैठकर इसे उठा पाऊँ। मैं नहीं कर पा रही, बस पहुँच जाओ। अगर मैं दोनों हाथों को एक ही साथ करूँ तो? ओह, मुझे इससे नफरत है। हाँ, मेरी उंगलियों से मुझे आइडिया आ रहा है। मैं अभी आती हूँ ईयरबड्स। हाँ बिल्कुल, अब मेरे पास उठाने के लिए पंजा है। अब मैं इसे एक ही बार में उठा लूंगी। हाँ, मुझे मिल गए। मैंने तुम्हें बताया था मैं तुम्हें उठा लूंगी। ईयरबड्स रखो, ये रात कैसे हो गई? मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। ओह,
कहाँ से आ गए? मॉर्निंग डैडी। हाय। मुझे नाश्ता चाहिए। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। दूध। ओह, ये मजेदार है। ये आगे पीछे होता है। बैठ जाओ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा सीरियल खाओ और ये सब बंद करो। अपनी चेयर मत हिलाओ, तुम गिर सकती हो। अब अपना नाश्ता करो। हाँ, मैं दूध डाल देता हूँ। यम्मी। चलो सारा खा जाओ। थैंक्स डैडी। वो बहुत प्यारी है। मुझे सीरियल पसंद है और चेयर पर झूले झूलना भी। ये तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं डैडी। चेयर मत हिलाओ, तुम्हें इसे रोकना होगा। नहीं, बहुत हो गया। देखो कितना गंद मच गया। उप्स, अब और शरारत नहीं, अब मुझे सफाई करनी होगी। वो कहाँ गई? वो यहीं तो थी। हेलो, जरा रुको। हाय डैडी। तुम्हें ये रोकना होगा। रुको, इन हुक से मुझे एक आइडिया आया। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? चेयर लेग्स के नीचे हम थोड़ी टेप लगाएंगे। अब टेप पर सक्शन कप्स लगा देंगे। अब चेयर को सीधा रख दे। आराम से खाओ। हाँ, ये चेयर हिल क्यों नहीं रही? वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मैं अपना सीरियल खा लेती हूँ। मुझे कॉफी नहीं पसंद। ओह, तुम्हारी बात। बस वो ज्यादा समय ना लगा दे। मैं मेकअप टचअप कर लेती हूँ। उसका हो ही जाना चाहिए, है ना? हे भगवान, कितनी अच्छी बात है। मैं अपना ध्यान भटकाता हूँ। मुझे एक सिंगर बन जाना चाहिए। रोक लूंगा, रोक लूंगा। वो और कितना समय लगाएगी? मुझे शर्ट पसंद है। हाँ, तुम आ गई, भगवान का शुक्र है। मुझे सच में जाना है, पर तुम जा सकती हो। आह, कितना अच्छा दिन है। ओ नहीं, मुझे रेस्टरूम जाना होगा। माफ करना, मैं बस अभी आती हूँ। नहीं, हमें जाना था। आह, काफी बेहतर। ओ नहीं, कितनी शर्म की बात है। मुझे आइसक्रीम के सपने देखना बहुत पसंद है। काश मैं हमेशा हमेशा के लिए सोती रहती। और ये क्या हो गया? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? मुझे स्कूल के लिए तैयार होना होगा। लगभग हो गया। ले लिया। मैं अपने पीजेस तो नहीं पहन सकती। क्या इससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अरे इन बालों का क्या करूं? क्या यहाँ आसपास क्रंचेस पड़ी है? नहीं, वो नहीं। मैं वो यूज कर सकती हूँ। चलो फिर, मुझे दो। वो, मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। अब मैं क्या करूँ? इस लड़की का क्या होगा? अरे यार, शायद मैं इससे कुछ कर सकती हूँ। अरे मेरे बालों को टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा। ओ, कुछ भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल यूज़लेस है मॉम। चलो मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक दिखाती हूँ। तुम्हें बस थोड़ी सी हीट की जरूरत है। देखो, थोड़ी सी हीट इसको दोबारा से श्रिंक कर देगी। देखो, ये चेंज हो रहा है। इसने इसको दोबारा से इलास्टिक बना दिया। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेची है। ये लो। वाओ, थैंक्स। मुझे लगता है अब मैं कर सकती हूँ।
पोनीटेल। अब मैं स्कूल के लिए निकल सकती हूँ। एरी, तुम्हारा बैकपैक। बाय। बस कुछ और कदम। मैं नहीं बांध लेती हूँ। पसीना बहाने का समय। पर जिम किसे चाहिए? ये देखो, सब सेट है। लिफ्टिंग शुरू करते हैं। आराम से शुरू करो, अंदर और बाहर। आह, सफाई बहुत थका देती है। ओह, चलो बेंच करें। गो। एक। फर्श कितना गंदा है। ओह, बहुत समय से ये नहीं बदला। क्या ये गंदा है? बिल्कुल। ओह, तो चलो। इस लड़की की फोरआर्म्स कभी वीक नहीं होंगी। शुक्रिया, मैं ज्यादा पानी लाई थी। मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत गर्मी है। तो मेरा क्या मन कर रहा है? हनी, तुम्हें कुछ चाहिए बेब? कुछ मीठा? ओ, कुछ मत कहो। हेज़लनट स्प्रेड? नहीं। और क्या है हमारे पास? रुको, शायद ये काम करे। या फिर बहुत चीजें मेरे बेबी के लिए। कुछ भी, किचन में और भी है। यहाँ चीज है? नहीं। ओह, मैं चीज कैसे भूल गया? बहुत बुरा है। अच्छा है हनी, तुम खेलते रहो। मुझे गमी बेयर्स पसंद है। ये च्यूई है। टूट गया। कोई बात नहीं, चलो दूसरे वाले के साथ खेल लो। बहुत अच्छे, अब मैं खा लेती हूँ। मुझे कॉल कौन कर रहा है? हे, तुम कैसी हो? तुमने लास्ट एपिसोड देखा? अरे हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ उसने उसे चुना। ओह, मुझे खाना गर्म करना होगा। मैं प्लेट माइक्रोवेव में रख देती हूँ। अरे हाँ, खैर अगला एपिसोड भी अच्छा ही होगा। मॉम, मेरे गमी बियर्स कहाँ है? मैं ये गंदा खाना नहीं खाना चाहता। अरे नहीं, मैंने वो प्लेट तो माइक्रोवेव में रख दी। मेरे गमी बियर्स। ओ नहीं, ये तो पिघल गए। ये गमी तो खराब हो गए। आपने खराब कर दिए मेरे गमीज। रुको, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। पहले इसे सेट होने दूंगी। अब मेल्टेड गमीज में स्टिक्स डाल देते हैं। बहुत सारी स्टिक्स। अब मैंने शेव पेपर सूखने दूंगी कि कितने अच्छे लग रहे हैं। डार्लिंग, रोना बंद करो और ये लो। ओ वाह, एक लॉलीपॉप। यम्मी, ये मेरी फेवरेट गमी जैसी है। शुक्रिया मॉम, आप सबसे अच्छी हो। फ्रॉक्स मेरे बालों को बहुत शाइनी बना देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जरा इस टेक्स्ट मैसेज को देखो। ओ बेटी, मुझे माफ कर दो। वो मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहता है? हम साथ में कितने प्यारे लगते थे। ओ नहीं, मुझे बाथरूम जाना होगा। और वो मुझे कॉल भी नहीं कर सकता था, उसे टेक्स्ट पे ब्रेकअप करना था। ये बहुत बुरा है। पर बेटी, मुझे एक सेकंड दो, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ हाँ बेटी, जाने दो उसे। उसने सैटरडे को मुझसे ब्रेकअप किया, ऐसा कौन करता है? बेटी, मुझे वॉशरूम जाना होगा, मैं अभी आती हूँ। हर कोई मुझे क्यों छोड़ देता है? ओ बेचारी बेटी, वो कितनी उदास लग रही है। नहीं, मुझे दोबारा जाना होगा। बहुत हुआ बेटी, मेरे साथ बाथरूम तक आओ। तुम यहाँ रुको और बात करती रहो। तुम सही कह रही हो बेटी, वो बहुत बुरा है। ओ बेटी, ये बहुत बेहतर है। क्या? कुछ भी बेहतर नहीं है, तुम ये कैसे कह सकती हो?
मेरा मतलब है तुम इससे बेहतर के लायक हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। इन दो प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा भूख लगती है। कितना अच्छा है। हाँ बेबी को टमाटोज खाने का मन कर रहा है। बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं पता मीठा ही होगा। नहीं बकवास है, इसे यहाँ से ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। ये किसने ऑर्डर किया? ये हुई ना बात। रुको इधर आओ। मैंने कहा मेयो मस्टर्ड लेटस पिकल्स। हाँ बस एक मिनट, आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आपको कुछ मीठा चाहिए? जैसा आप कहें। मैं बहुत सारा डालूंगी। ले लीजिए। और अब थोड़ी व्हिप क्रीम। आपको बहुत ज्यादा डालकर अच्छा लगेगा, है ना? ओह हाँ, ये हुई ना बात। इतना भी बुरा नहीं है। और हम स्प्रिंकल्स कैसे भूल सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, मजे करें। ये लड़की मुझे समझती है। हेलो कार्ब्स, आ जाओ, मजा आ गया। पर थोड़ा मीट भी लेंगे। ऐसा लग रहा है आज मेरा बर्थडे है। लाजवाब। ओह हाँ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई। प्रेग्नेंट होना कितना बढ़िया है ना बेला? मेरी भूख मर गई। कैंडी का बोल खाली है, मैं इसे भर देती हूँ। लो अब इसे एशली से छुपा लेते हैं। ये शेल्फ सही रहेगा, उसे वो यहाँ कभी नहीं मिलेगा। ये तो उनको लगता है ना, माम अब यहाँ नहीं है, यही मौका है। मैं पहुँच नहीं पहुँच पा रही। हमें कुछ और करना होगा। आओ मैं समझ गई। इस चूल से मैं ऊपर जा सकती हूँ। बस पहुँच ही गई। मिल गया। ओ नहीं। वो! नहीं! आउच! कम से कम मुझे कैंडी मिल गई। मजा आ गया। और तुम ये क्या कर रही हो? ओ हाय मॉम। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ एशली। मुझे क्रिएटिव होना होगा। मैं इस कैंडी को कहाँ छुपा सकती हूँ? एक मिनट रुको। एशली को सबसे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे पास एक आइडिया है। पहले मैं इसे खाली कर देती हूँ और फिर इसमें कैंडी भर देती हूँ। एशली यहाँ बिल्कुल नहीं देख पाएगी। ये टमाटो कितना जूसी है, सैलेड के लिए बढ़िया रहेगा। ओह हाय एशली। खाली है, कैंडी कहाँ है? थोड़ी स्वादिष्ट सब्जियाँ क्यों नहीं ट्राई करती? क्या सच में? यक! ओह, मैंने तो कहा ही था। तो मुझे चॉकलेट मिलनी चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे मूड सेट करना होगा। लगता है सब तैयार है, अब शुरू करते हैं। एक एप्पल, थोड़ा गार्लिक। वाह ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और क्या? ओह बिल्कुल। ऐसे पार नहीं भूल सकते। अब हम शुरू करते हैं। हबल बबल हॉकस पॉकस। अब कह दो कि एक लड़का है। वैसे तो ये काम करता है। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। मैं इसमें ग्लिटर डालती हूँ। आप रख जाओ ब्रा, सब बताओ। मैं गलत क्या कर रही हूँ? ओह मुझे ये चाहिए। इंसानों के बाल। अब ये काम करना चाहिए। मुझे सब बता दो। हे बेब, पुराना जादू कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। नहीं तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए? ओह मुझे यही तो चाहिए। ये परफेक्ट है। एक फूल की पंखुड़ी। ये पूरा हुआ। मैजिक कॉल्ड्रन, मुझे अपनी राव बताओ। एक लड़की।
मतलब एक प्यारी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। डार्लिंग देखो, क्या उसे कार्स और फुटबॉल पसंद होंगे? बहुत अच्छी है। ओ, ये क्या हुआ? स्क्रीन ब्लैक हो गई। लो बैटरी। ओ, चलो भी। मॉम, मेरी मदद करो। क्या हुआ डियर? मेरे फोन में बैटरी नहीं है। मेरे पास चार्जर नहीं है। अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओ, शांत हो जाओ स्वीटी, कोई बात नहीं। मेरे बैग में भी कुछ ट्रीट्स हैं। तुम कैंडी खाना चाहोगी? यम्मी, आपके पास और है? वो आखिरी थी। सब कितना बुरा है। देखो मेरे पास क्या है। मैं कैट नहीं हूँ मॉम। ये क्यों हुआ? मेरे पास और क्या है? अगर मैं तुम्हें पैसे दूँ तो सब ठीक हो जाएगा? ये मदद करेंगे? मैं पेपर एयरप्लेन बनाऊंगी। एश्ली, वो नोट बिल्कुल आखिरी था। जो भी है मॉम, ये पकड़ो। इसे हुआ क्या है? एश्ली, रुको। ये क्या है? एश्ली, प्लीज, मुझे इसे चलाना ही होगा। ये मजेदार है। पेशेंट तैयार है। ये क्या था? मैं पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मॉमी। वो शर्म की बात है। एक मिनट रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। एक फ्लैट सरफेस पे अपना फोन रखें, अब इसके ऊपर एक कलर कार्ड रखें और अब अपने फोन पर क्लियर प्लास्टिक लगाएं। प्लास्टिक में ग्लू डालें। अब इसे फैलाएं। प्लास्टिक को सील कर दें ताकि ग्लू इसमें से ना निकले। ये एक छोटा सा स्केच पैड जैसा है, टाइम पास करने के लिए बहुत बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार है। मुझे देखने दो। तुम ट्राई करना चाहोगी? आप ठीक कह रही हो, ये मजेदार है। वाह, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। अब मैं आराम कर सकती हूँ। ये बॉटल्स, ये जरूर काम आएंगी। ये रहा एक और गिफ्ट, ये मेरी तरफ से है। हे भगवान, बेबी शूज, ये बहुत प्यारे हैं। हे, ये रहा मेरा गिफ्ट। अरे वाह, लाजवाब। देखो कितने प्यारे कपड़े हैं। हाय, देखो मैं क्या लाई। ओ, टोस्ट। वाह, शुक्रिया। खैर, चलो पता लगाए बेबी लड़का है या लड़की। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, तो चलो। ये सही बलून नहीं था। कोई बात नहीं, एक और बार देखते हैं। अभी भी कोई जवाब नहीं। हे, ये जाइंट पॉपर लो, शायद ये बता दे। नहीं, अभी भी कुछ नहीं। ओह रुको, मैं केक काट कर देखती हूँ। पर केक है कहाँ? तुम्हें केक खाना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त है। और इसके अंदर की ब्लू फ्रॉस्टिंग सबसे बढ़िया है। हे, क्या हुआ? सब केक को क्यों देख रहे हैं? ओह, ऊपसी, ये तुम्हारा लड़का होगा। खैर, वो ठीक कह रहे हैं, ये हमारा बेटा होगा। देखो कितने सुंदर बबल्स हैं। वाओ। इंतजार कर करके भूख लग गई। और लंच करते हैं। वुहू! देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, योगर्ट। हे जेनिफर, देखो मेरे पास क्या है। ओह यम्मी, ये लो बच्चे। अच्छा लग रहा है। नहीं, ये तो आप पर गिर गया डैड। मेरी शानदार मूछे खराब हो गई। रुको, क्या अब योगर्ट बची है? कोई बात नहीं हनी, ये लो। पहले मैं इसे साफ कर दूं। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। किसी को यम्मी योगर्ट खानी है? अपना मुंह खोलो, बस इसे स्क्वीज करेंगे और ये निकल जाएगा। बहुत टेस्टी है। कोई बात नहीं हनी। पैम्परिंग करते हैं। गर्म पानी के साथ आराम करना बहुत बढ़िया है। ओह, मेरा ब्रेजर।
कि मुझे सच में अपनी लेग शेव करनी है। हाँ लगता है कर ही लेनी चाहिए। ठीक है चलो लेग ऊपर आओ। प्रेग्नेंट होने पर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। शेविंग क्रीम लगानी है। लग गई। बहुत ज्यादा लगाना होगा क्योंकि मेरे लातों पर बहुत बाल है। मैं एड़ियों तक नहीं पहुंच पा रही। मुझे यहाँ तक ही करना होगा। जितना दूर तक जा सकती हूँ उतना जाऊंगी। फिर ठीक है ये काम कर रहा है कह सकते हैं। वाह इसमें तो बहुत मेहनत लगी। खैर कम से कम ये हो गया। अब बस मुझे उठना है। ठीक है अब स्लीपर्स उतार कर शूज पहनते हैं। प्रेग्नेंट लोगों के लिए शू हॉर्न सबसे बढ़िया चीज है और मैंने पहन लिए। तुम मेरी बालों वाली एड़ियां देख सकते हो। कोई बात नहीं मैं इस पे सॉक्स पहन लूंगी। बहुत बढ़िया अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ।